नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग चैप्टर 10 से आगे आ रहे हैं, तो अभी ये मैजिकल डस्ट के साथ में आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो जुड़ रही है, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर के सुनेंगे कि ये प्रैक्टिस आगे कैसे जुड़ रही है आपके साथ में। सेल्फ हीलिंग में जो आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं वो डीप ब्रीदिंग आप कंटिन्यू ही रखेंगे कि आप फील करते हैं कि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, डिवाइन एनर्जी अंदर जा रही है, पॉजिटिव एनर्जी अंदर जा रही है, आप फील करते हैं पॉजिटिविटी, अंदर की सारी नेगेटिविटी को आप आउट करते हैं, आप पूरी तरीके से फील करते हैं कि आप उसे भगा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप आने वाले पूरे दिन के लिए अभी से ब्लेस्ड हो जाते हैं, अभी से फील करते हैं कि आपका जो दिन है वो ब्लेस्ड है। मैंने मेडिटेशन भी आप लोगों के साथ में शेयर की हुई है, अगर वो मेडिटेशन आपको डीप ब्रीदिंग के तुरंत बाद करनी है तो वो कर लीजिए, नहीं तो आप मन ही मन में भी इस चीज को फील कर सकते हैं कि मैं ब्लेस्ड हूं, मेरा आज का दिन बेस्ट है, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूं, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पूरे दिन कोशिश करेंगे कि आप अपने ऊपर धूल का छिड़काव करें। जब भी आप अपने आप को देखें, शीशे में जो इंसान आपको दिख रहा है ना, ब्रश करता हुआ, उठता हुआ, जाता हुआ, फेस पैक लगाता हुआ, ये आपकी सेल्फ लव की प्रैक्टिस के अंदर आज से ऐड हो रहा है, ठीक है। सेल्फ हीलिंग तक का पार्ट आपको समझ में आ गया, आपने क्या क्या किया, आपने डीप ब्रीदिंग की, फील किया एंड आज के आने वाले दिन के लिए आप ब्लेस्ड हो गए। हीलिंग के अंदर मैजिकल डस्ट मैं ऐड करूंगी अभी आगे जाकर के, लेकिन आज से आपको अभी ये देख करके ऐसे करना है, लाइक जब भी आपने अपने आप को शीशे में देखा, इवन आप सेल्फी भी ले रहे हो, ठीक है, दिखते हो ना आप सामने से अपने आप को, धूल का छिड़काव कर दीजिए। आप किसी और के साथ सेल्फी ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए दो तीन लोग हैं, तो कोशिश करिए तीनों को आपने मन ही मन डाल दी, यानी कि फील करना है कि वाओ यार मैं तो अपने लिए ग्रेटफुल हूं, मैं आज अपने लिए ग्रेटफुल हूं, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूं, ठीक है। तो आज से ये प्रैक्टिस आपकी जुड़ रही है आपके सेल्फ लव में, यानी कि आपको जब भी अपने आप को देखना है अपने लिए कृतज्ञ हो जाना है। वजह नहीं है, अनकंडीशनल प्यार है, नहीं है कोई रीजन अपने आप से कृतज्ञ होने का, मेरे पास कोई रीजन नहीं है, ऐसे सोचिए। क्योंकि यहां पर भी आ सकता है ना क्वेश्चन कि हम क्या रीजन दें, हम अपने लिए क्यों कृतज्ञ, क्यों कृतज्ञ मतलब प्यार के आगे हम क्यों नहीं लगाते, जहां रीजन है वहां प्यार नहीं है। मेरे पास अगर रीजन है ना, यार ये बंदा मुझे खुश कर देगा, ये बंदी मुझे खुश कर देगी, रीजन आया ना प्यार खत्म। अनकंडीशनल कोई रीजन नहीं है, क्यों मैं अपने होने के लिए थैंक यू नहीं बोल सकती, ऐसे अपने आप से जब सवाल जवाब करेंगे ना लाइफ सेट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये हो गया आपकी सेल्फ लव की प्रैक्टिस के अंदर ऐड, बाकी जो आपकी प्रैक्टिस है वो एज इट इज है। 30-40 मिनट्स आपको वर्कआउट करना है, अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चीजें सोचनी है। अगर नहीं सोच पाते हैं तो जो भी पॉजिटिव चीजें ऑलरेडी आपके पास में है, आपके पास वो रिश्ते हैं, आपके पास वो जॉब है, आपके पास में पैसे हैं, आपके पास में घर है, उन सारी चीजों के बारे में सोचिए, पॉजिटिव रहिए उन चीजों के बारे में जितना ज्यादा आप सोचें, और उसके साथ में अपनी फिजिकल एक्टिविटीज एंड चीजों को करते चले जाएं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इस तरीके से करनी है। अब यहां पर आपका अफर्म्ड जो वाटर है वो मॉर्निंग में ही लग गया था, वो आपकी हीलिंग दोनों तरफ से, वो दोनों तरफ के लिए है, आपके सेल्फ लव के लिए भी है एंड हीलिंग के लिए भी है कि आई एम हेल्दी, आई एम मेंटली हेल्दी, आई एम फिजिकली हेल्दी, उसकी भी मैंने मेडिटेशन आप लोगों के साथ में शेयर की हुई है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद में आप क्या करते हैं, आप ग्रेटफुल होते हैं, आप 10 ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं, आप अपने स्टोन को लेते हैं, आपने एक आई एम हेल्दी का वॉलपेपर भी लगाया हुआ है, आप नोट की भी ब्लेसिंग्स को काउंट कर रहे हैं, आप 10 ब्लेसिंग्स को भी रैंडमली उठा उठा करके लिख रहे हैं, रात को आप अपने स्टोन की प्रैक्टिस करते हैं एंड देन आप अपनी एक सेल्फ लव की कोई भी एक्टिविटी जो आपकी ग्रोथ में, आपकी स्किन में, आपके बालों में, आपकी हेल्थ में, आप के लिए होनी चाहिए, बस आपको अच्छा लगना चाहिए, आप खुश होने चाहिए, वो आपको करनी ही है, वो आपको करनी ही है। मिनिमम 5 मिनट, मैक्सिमम 5 घंटे, 500 घंटे, आपको जितना जाना है जाइए, आपका प्यार है आपसे है, आप अपना जितना ज्यादा समय देंगे, जितना ज्यादा मीठा डालेंगे उतनी ज्यादा आपकी खीर मीठी हो जाएगी, ठीक है। तो मीठा डालते रहिए, अपने आप से प्यार करते रहिए, और रात को सोने के जस्ट पहले आपको करनी है अपने लिए ओपोनोपोनो प्रेयर, और ओपोनोपोनो प्रेयर करते समय अपने आपको याद दिलाना है कि एनी हाउ कल सुबह के लिए मुझे ब्लेस्ड फील करना है उठते ही। तो उठेंगे, बेड से उठे भी नहीं एंड फील करना शुरू कर दिया, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम मजेदार, ठीक है। तो फिर ये डीप ब्रीदिंग के बाद वाली जो प्रैक्टिस है ये आपकी फिर से कंटिन्यू शुरू हो जाएगी। लाइक आप लेटे हैं, आपने फील किया वाओ यार आज का ब्लेस्ड दिन है, उसके बाद आपने डीप ब्रीदिंग कर ली, डीप ब्रीदिंग के बाद में आपको जब भी मौका मिल रहा है, तो ये टाइम से मत बांधिएगा, है ना,
सुबह सुबह बस बेड पे ही पहले ही अपनी ब्लेसिंग्स को, आज के दिन आने वाली ब्लेसिंग्स को काउंट कर लिया, एंड उसके बाद डीप ब्रीदिंग और उसके लिए जो दूसरी मेडिटेशन है ना, जहां पे मैंने बताया कि आज के दिन के लिए ब्लेस्ड हो जाए, मॉर्निंग में करेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए ही अच्छा है, पर अगर आपको बाद में टाइम मिलता है तो मैं कहूंगी छोड़िए मत, करते रहिए करते रहिए करते रहिए, यही प्रैक्टिस आगे आपको जान डाल देगी आपके मैनिफेस्टेशंस में, आपकी हर एक चीज में। इसीलिए मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को मैनिफेस्टेशंस भी यहां पर लगवाती जा रही हूं, ताकि आपको उसकी भी प्रैक्टिस बनी रहे और आप धीरे धीरे करके इस चीज को, इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ पाए और इसको फॉलो कर पाए। ठीक है, अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे खींचे ढेर सारा प्यार, अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल, टाटा।